छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अधिवक्ता संघ शक्ति ने कचहरी परिसर में रायगढ़ जिले में वकीलों के खिलाफ की गई गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ काला फीता लगाकर सांकेतिक आंदोलन किया। अधिवक्ताओं ने राजस्व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग की। वहीं अधिवक्ताओं ने राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सुनील अग्रवाल जो है, इसके पूर्व भी बारद्वार में नायब तहसीलदार था, वहाँ भी उसका वही रवैया था। सारंगढ़ में था, उसकी भी यही शिकायत थी, और आज रायगढ़ में भी इसी प्रकार के उसके खिलाफ शिकायत हैं। सुनील अग्रवाल के संपत्ति का जांच होना चाहिए, वह बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं, और उसके कार्यकलापों का भी जाँच होना चाहिए और उसके संपत्ति का भी जांच होना चाहिए। अगर उसने इस प्रकार से एक अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया है तो प्रथम सूचना पत्र दर्ज हो करके उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। सुनील अग्रवाल जो शक्ति से पूर्व परिचित व्यक्ति है, उसके भ्रष्टाचार के कारनामे बहुत हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी भ्रष्टाचार की जाँच कर ऐसे तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, और वकीलों के विरुद्ध जो उसने दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए पूरे राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ शासन को कार्रवाई करना चाहिए। हम शासन से मांग करते हैं कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी शीघ्र ड्यूटी